गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो गाइस आज हम अपने शेयर की स्टार्टअप पर रिएक्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो फटाफट से वीडियो की ओर चलते हैं। सही बात। जैसे तुम उसको जानते हो, खरगोश को जानते हो? जानते हो खरगोश को? ओ, मैं भी जानता हूँ। स्मॉल वर्ल्ड। तुम्हें पता खरगोश जो है ना, वो बरोज में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं वो। पहले वो बरोज में रहते थे, पता है? पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहन जो वो रेस आ रहे हैं ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, रेस ही तो हारा है, क्या हो गया? जाने तो बेचारे को अब यार, इसीलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप। उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी बंदर लोमड़ी करते। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा था। गाजर लेने जल्दी चाहिए तो बोल, कछुए से मंगा दें। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियसली ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तो सोचो अच्छा लगता है एज अ खरगोश कछुए को हराना। तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची आई और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के? मैं ये ले फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन, जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। कछुए का नाम हो गया कछुए का, भाई बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने यार। 2 की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? पता कछुए की लाइफ टाइम कितनी? 100 साल। खरगोश पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं है भाई फालतू रेसे लगाने का। 9 साल की जिंदगी मिली है, मैं कछुए के साथ खेलता रहे। 9 साल बहुत कम है, बहुत ही कम है 9 साल एक्चुअली किसी भी चीज। 9 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, मैं बता रहा हूँ, पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमेडी में? मैं बताता हूँ क्या कॉमेडी में आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है। लिस्प लिस्प, जिनको नहीं पता बता देता हूं मैं, लिस्प। सर बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या? व्हाट? एक तो सर बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में सर घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्ट पे उसके लिस्ट भी बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते बर्तन। कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं बर्तन, लिस्ट। और पता कैसे लग रहा है? मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। तोतले, ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के। बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग। तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलते मुझे। मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है। मैंने पूछा बाकी कमेडियन से, बात मैं बाप बताओ मैं लिस्ट पे गया? कह रहे हाँ। तूने बताया क्यों नहीं मुझे?
मैं यार हमें लगा तुझे बुरा लग जाए। मैं वहां तो हजार लोग मजे में तोतला लिख रहे तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। मैंने नहीं किया। एक ने तो कमेंट किया था लिफ्ट की वजह से ही हंसी आती है इस पे। मैं फुद्दू जोक्स लिख रहा हूं बैठ के। हर जोक में बस सा 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 लिख देता हूं। सुरुज गया ससुराल सुसु करने। तोतले पता मुझे बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था मैं साफ क्यों बोलता क्या कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा बस थूक घोंट के बोला करो। थूक घोंट के किसकी। अब मैं पान की दुकानों के बाहर खड़ा रहता हूं सर मुंह में थूको मेरे प्लीज सर सर प्लीज दवाई मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था ठीक है वहां मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजिट क्रिस्टी मैं उसका शो देखने गया। शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ मांगने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे जा रहा कहीं नाम बोलो मैं अभिषेक कहीं स्पेलिंग बोलो। मैंने कहा ए बी एच आई एस उसको थोड़ा एफ अभिषेक एफ कटवा के एफ कराया है और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना फ्रॉम एफ एफ वो एफ लिखी जा रही है बार बार एफ एफ और यार बहुत जरूरी है पता करना कि लोग क्यों हंस रहे हैं किस बात पे हंस रहे हैं जोक पे या जीभ पे क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या जब मैं सर बोलता हूँ ना तो मेरी जीभ दांतों से बाहर आती है तो ऐसे बाहर आती है करके दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे आता है करना अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है गूगल पे लिख दो तुम सर में दर्द है कोई बात नहीं आखिरी बार है। तो गूगल पे दो सॉल्यूशंस थे। एक सोल्यूशन ये था कि तुम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ वो क्या करते हैं वो तुम्हें जीभ की एक्सरसाइज कराते हैं जीभ की एक्सरसाइज डंबल चाटने होते हैं। जो सेकेंड सोल्यूशन था विच इज एक्चुअली अ सोल्यूशन उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें सर बोलना हो ना उससे जस्ट पहले तुम बोलो सर ये ताली क्या मार रहे हो बे? छह साल का बच्चा समझा शाबाश बोल लिया। पर ये क्या है सोल्यूशन है ऐसा थोड़ी बात कर सकता हूं मैं लोगों से ओए सुन अलार्म बज रहा है किसी का नहीं मैं सब बोलने वाला हूं okay. कोई जरूरी बात हो कि मैं टीटी करता रह जाऊंगा वहां पे संभाल के गाड़ी आ रही है
तोतला बोल रहे हो, तोतला बोल रहे हो, बोल लो तोतला। सो गाइस वीडियो हमने देख लिया, इतनी फनी वीडियो, मतलब मेरा तो हंस के ना ये गला दर्द हो गया है पूरा, और मैं और नहीं हंस सकती। एंड जो टाइटल था, ओह माय गॉड, खरगोश वाला बिल्कुल लॉजिकल टाइटल था, और सा वाला वो भी बहुत ज्यादा फनी था। एंड वी लव इट, वी लव द वीडियो। और फिर अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।